पाँच बजे उठ के इतनी ठंड में बिना ग्लव्स के जा रहा हूँ व्यू देखने के लिए। ऐसा लग रहा है आसमान में किसी ने पेंट उछाल दिया भाई। ये देखो भाई, ओए होए होए यार, क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है भाई। अपनी धनौल्टी से भी ऐसा व्यू दिख सकता है क्या? ऊपर देखो कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है, और यहाँ देखो भाई बर्फ जम रही है। तो यहाँ से धनौल्टी से अपनी पूरी की पूरी अपनी हिमालयन रेंज दिखती है। ये तो मुझे ईगल जैसा भी लग रहा है भाई। कसम से ना यार, उत्तराखंड अपना जन्नत है भाई, जन्नत। तो जी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक नई वीडियो में। बाकी आज की वीडियो सुबह 5:30 बजे स्टार्ट हो रही है, और अगर आप लोगों ने से मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी ना, तो आप लोगों को पता होगा मैं कहाँ हूँ। लेकिन जिन्हें नहीं पता उन लोगों को बता देते हैं कि अभी मैं हूँ सुवा खोली। बाकी देख लियो, आज का प्लान ये है ना, यहाँ से मैं जाऊँगा बुरासखंडा, वहाँ से ना हिमालयाज रेंज दिखती है, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह उठाऊँ तो उसका मतलब समझ जाओ कि सनराइज देखेंगे वहाँ से भाई। लेकिन ठंडा यहाँ पे इतना ज़्यादा हो रहा है ना, तो रजाई से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अब बुरासखंडा यहाँ से अराउंड 8 किलोमीटर दूर है, तो भाई हालत ना बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जल्दी से फ्रेश वगैरह होता हूँ और फिर मिलता हूँ मैं आप लोग को। तो जी ये हम लोग हो चुके हैं रेडी। बाकी मुझसे ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मतलब इस कंडीशन में तो बहुत बड़ी बोल सकते हो, मैं ग्लव्स लाना भूल गया हूँ। तो मेरे हाथ तो भैया आज गए काम से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे। बाकी चलो आप लोग को ना मैं अपने रूम से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। देहरादून दिख रहा है यहाँ से बहुत बढ़िया। ये देखो भाई, ओए ओए ओए, कितना भयंकर लग रहा है भाई। ओ भाई व्यू दिखा के चक्कर में बाहर इतना ठंड हो रहा है ना भाई साहब, मेरे हाथ बाहर जाके शुरू हो गए भाई, मैं पता नहीं कैसे जाऊंगा यार। चलो कोई नहीं, चलो भाई हेलमेट वगैरह पहन दे फिर मैं करता हूँ आप लोगों से बात। ओके जी, तो भाई हम निकल पड़े। भाई ये खड़ी है अपनी पुष्पा। भाई पुष्पा की पता नहीं स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। ओ पुष्पा एक सेल्फ में स्टार्ट। ओ हो, ओ भाई मेरे हाथ ऐसा लग रहा है स्विच चिपने लग गई अभी से ही। भाई कभी कभी मुझे लगता है ना मैं लिटरली पागल हो चुका हूँ, पागल। क्योंकि भाई सुबह देखो 5 बजे उठ के इतनी ठंड में बिना ग्लव्स के जा रहा हूँ व्यू देखने के लिए। भाई ये क्या व्यू हो रखा है सामने का यार, इसकी तो फोटो बनती है। क्योंकि ऐसे तो आप लोग को दिखेगा नहीं, तो रुक के ना फोटो खींच के आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कैसी लगी फोटो भाई साहब? गुड फीलिंग है भाई, गुड फीलिंग है। ओए होए 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 भाई, लेकिन बादल हो रहे यार आसमान में आज। भाई साहब भाई कोई भी नहीं है सड़क में, मैं अकेला पागल आदमी जा रहा हूँ बुरासखंडा की ओर। ओए होए 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 भाई, मुझे सच में नहीं पता भाई आप लोग को कैसा दिख रहा है ये कैमरे में, लेकिन मुझे अभी जैसा लग रहा है ना भाई, ऐसा लग रहा है आसमान में किसी ने पेंट उछाल दिया है भाई। इतने सारे रंग बिरंगी चीज़ें दिखाई दे रही है ना, एक नंबर भाई, एक नंबर। हाँ, और एक नंबर मेरे हाथों में जो ठंड लग रही है ना, ऐसा लग रहा है मेरा हाथ ही कट गया भाई, फील ही नहीं हो रहा मुझे मेरा हाथ। ये देखो भाई, ओए होए होए यार, क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है। इसी व्यू के लिए तो जिंदा है भाई, इसी व्यू के लिए। तो जी पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बुरासखंडा। और बुरासखंडा आते हुए मैंने इतनी सारी फोटोज खींची ना, मतलब इतनी सारी भी नहीं, 2-3 खींची, लेकिन भाई बहुत सारी के बराबर है। जरा देखो एक बार पहले आप भाई, इतना ज़रा सुंदर हो रखा है ना सब, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा दुख है ना भाई कि मैं दिखाई नहीं सकता, क्योंकि मेरा कैमरा उस लायक है ही नहीं मैं आपको ये सब दिखा पाऊँ। तो इस बात का मुझे काफ़ी खेद रहेगा, क्योंकि कैमरा आता है 2 लाख का, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम 2 लाख सब्सक्राइबर भी तो होनी चाहिए ना। तो इसी बात पे सब्सक्राइब ठोक दो। बाकी चलो अब यहाँ से हमें पहाड़ में चढ़ाना है। वो गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं। ये है अपना बुरासखंडा जो कि एकदम सन्नाटे में हो रखा है अभी। तो भाई कोई भी नहीं है यहाँ पे, मैं अकेला ही हूँ। तो भाई अभी ना मैं पहुँच चुका हूँ बुरासखंडा, और यहाँ तो भाई एकदम सन्नाटा परसर है, कोई भी नहीं है, कोई सब सो रहे हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल सन्नाटा है। और जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ से हिमालयन रेंज दिख रही है, बहुत भयंकर। तो दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी आप लोग को। सबसे पहले तो आसमान के रंग देखो भाई, कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और जो ये वाले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जितने भी पहाड़ हैं, ये सारे के सारे, ये ऊँचे वाले, ये सारे के सारे सफ़ेद हैं। अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लाइट नहीं पड़ रही है ना उन पे, जब सनराइज़ होगा और उन पे लाइट पड़ेगी तब दिखाई देंगे वो एकदम सफ़ेद। ये देखो हल्के हल्के दिखाई दे रहे होंगे शायद आपको। तो टाइम अभी 6:20 हो गया, 6:53 पे सनराइज़ होता है, हमें एकदम सही टाइम पे पहुंच गए। बाकी चलो इस पहाड़ के भी ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि भाई जितने ऊपर उतना अच्छा व्यू। ये लो भाई, मुझे वहाँ से लेके यहाँ तक की अपनी पहली गाड़ी दिखाई दी देखो, वरना तब से भाई मैं अकेले चल रहा हूँ, अकेले पूरी सड़क में, एकदम अंधेरी सड़क, और मैं अकेला स्कूटी में।
तो मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, देखो यहाँ से रास्ता जा रहा है और रास्ते में देखा टॉप में यहाँ पे जाके बैठेंगे भयंकर, और यहाँ से व्यू दिखेगा फिर अल्टीमेट, और मेरे ख्याल से सनराइज भी ना अपना उधर से होगा। तो भाई मैं अभी उस पहाड़ के एकदम टॉप पे खड़ा हूँ और यहाँ से क्या ही व्यू दिख रहा है ये देखो भाई। जहां तक तो मुझे लग रहा है ना, तो वहीं कहीं से सनराइज होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट साइड उधर है तो ईस्ट के हल्का से इधर साइड होता है मेरे ख्याल से, तो यहाँ से कहीं सनराइज होना चाहिए। और शायद अभी आप लोग को देखो हल्के हल्के व्हाइट पहाड़ दिखने लगे होंगे, तो यहाँ से धनौल्टी से ना अपनी पूरी की पूरी अपनी हिमालयन रेंज दिखती है। और मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है क्योंकि मेरा मुंह सुन रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पे। टाइमलेस आप लोगों ने देख लिया होगा, बाकी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना होगा, लेकिन उसमें आप लोग को सनराइज दिखा नहीं होगा क्योंकि मेरा प्रोडक्शन ना थोड़ा सा गलत हो गया, सनराइज ना हल्का सा राइट साइड में हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी आप लोग को दिखाता हूँ भाई, ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, ये देखो भाई वहां से हुआ था सनराइज, और मुझे लगा था कि वहां से कहीं होगा, लेकिन देख रहे हो भाई, और वो देखो सामने अपनी हिमालयन पीक्स देखो क्या चमक रही है। बाकी अभी और पीक्स में ना धूप पड़ नहीं रही है शायद, तो इसलिए वो चमक नहीं रही है, लेकिन वहाँ वाली देखो भाई, और ये तो ऐसी चमक रही है ना एकदम वाइट। बाकी भाई जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, आप लोग को जरा दिखाता हूँ पहले मैं क्या खतरनाक जगह पे खड़ा हूँ, ये देखो भाई, पर यहाँ से ना डायरेक्ट नीचे इतनी गहरी खाई है ना दोनों तरफ, देखो भयंकर एकदम। और इसी के पीछे देख रहे हो भाई घर, देख रहे हो खा बना रखे लोगों ने भाई, वहाँ तो जाते कैसे होंगे भयंकर, वहाँ तो कोई सड़क वगैरह नहीं है, बस एक पैदल रास्ता दिखाई दे रहा है यहाँ से ऊपर 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 उधर। भाई गॉड, लाइफ ज़रूर बहुत टफ होगी बट एट द सेम टाइम ना सुंदर और पीसफुल, तो भाई क्या ही बोलूँ, बस भयंकर होगा एकदम। और पहाड़ के ना इस साइड मुझे बड़ी कमाल की चीज़ दिखी है, तो एक काम करते हैं यहाँ से उतरते हैं, पहले आप लोग को वो चीज़ दिखाता हूँ, मतलब बहुत गजब की चीज़ है। तो जी ये देख रहे हो भाई, ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है आप लोग को, ये बर्फ़ गिरी हुई है बर्फ़, और ऊपर देखो कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है, और यहाँ देखो भाई बर्फ़ जम रही है भाई। तो वैसे आप लोग को बता दूँ ये बर्फ़ नहीं है एक्चुअली, ये है ड्यू, हिंदी में पाला भी बोलते हैं, तो ये ना रात को पड़ता है जब ये, और सुबह इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना तो ये जम जाता है, जिसकी वजह से लगता है कि ये बर्फ़ है। तो अभी आप लोगों को ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो भाई दिखाई दे रहा, देखो इन पत्तों के ऊपर देखो क्रिस्टल फॉर्म्स हो रहे हैं, ये देखो ये बर्फ़ है भाई। मैंने वहाँ से देखा, मैंने कहा सफ़ेद सफ़ेद क्या पड़ा, देख के आता हूँ एक बार, और मुझे लग रहा था शायद ये हो सकता है, तो तभी मैं आया यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए। बाकी ये ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है भाई, अगर सड़क में पड़ा हो ना और आप इसके ऊपर बाइक लेके चले जाएँ तो भाई बाइक स्किड हो जाती है, तो इसीलिए ठंड में पहाड़ों में जो है देख के चलानी पड़ती है गाड़ी, स्पेशली जहाँ पे पेड़ वगैरह हो ना, जहाँ पे धूप ना आती हो वहाँ पे मेनली ज़्यादा होता है। कि आप देख सकते हो, मुझे लगता है यहाँ पे धूप आती नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई देखो इस रास्ते के जस्ट बगल में इतना ऊंचा पहाड़ है और सनराइज ना वहाँ से हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे धूप पड़ती भी होगी। भाई यार क्या जन्नत व्यू है भाई, क्या जन्नत व्यू है। अभी मैं मिस कर रहा हूँ कि काश मेरे साथ कोई होता ना, तो इतनी बढ़िया बढ़िया फोटोज आ जाती ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, अकेले के भी अलग मजे हैं। तो भाई देखो काफी देर से मैं बैठा हुआ था और यहाँ पे ना अभी इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, वैसे धूप पड़ रही है लेकिन धूप भी कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि हवा इतनी ज्यादा बर्फीली हवा चल रही है ना, शायद वही हिमालय से टकरा के आ रही है मेरे ख्याल से, मतलब स्किन पे टच होते साथ ही ना स्किन सुन्न हो जा रही है। तो फिलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ से निकलता हूँ और आखिरी बार आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ का व्यू दोबारा से। तो ये देखो भाई, भाई कसम से ना यार उत्तराखंड अपना जन्नत है भाई, जन्नत। तो भाई हम पहुंच चुके हैं वापस से अपनी पुष्पा के पास, और ये जो जगह है भाई इसका नाम है बुरासखंडा। आने वाले कुछ टाइम पे ना भाई यहाँ पे इतनी छक बर्फ पड़ी होगी और इतना भयंकर ट्रैफिक लगा होगा ना, मैं इतनी बार आ रखा हूँ ना यहाँ पे, हमेशा भयंकर ट्रैफिक लग जाता है क्योंकि स्नो में गाड़ियां वगैरह फंस जाती है। लेकिन चलो कोई नहीं, वो भी दिखाने के लिए आप लोग को फिर से आएंगे दोबारा। ओ भाई यहाँ से अपना देहरादून देखो भाई, क्या सेट लग रहा है भयंकर, एकदम मोड़ के बाद जो आया है ना यार, हाय अल्टीमेट। एक बार फोन से दिखाता हूँ अभी आप लोग को, भाई पता नहीं देखो आप लोग को पता चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, देखो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, घर वगैरह काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहे हैं, बाकी अगल बगल की जगह देखो जरा कितना ज़रा हेज हो रखा है, लेकिन भाई व्यू तो अल्टीमेट लग रहा है कुछ भी कह लो। और ऊपर से जो ये बादल है ना भाई, ये व्यू पर ना चार चांद लगा देते हैं इतने, बस ओ भाई
ये तो किसी की, ये तो मुझे ईगल जैसा भी लग रहा है। अरे क्या आप लोग को भी लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना भाई। ओ भाई क्या ही है। तो भाई घूम फिर के वापस आ चुके हैं अपने होटल पे और ले रहे हैं आनंद अभी चाय का। भाई ठंड से ना हालत खराब हो गई, चाय पी के ना इतना सारा बढ़िया लग रहा है ना। बाकी कल ये था अपना होटल जहाँ पे मैं रुका था और ये सुआ खोली है और यहाँ से ऐसा कुछ व्यू था। तो मैं अभी अपना सामान समेट रहा था, सब कुछ मतलब पैक वगैरह कर रहा था और अभी मुझे क्या चला पता कि मैं ग्लव्स लेके आया हूँ, इसके अंदर थे ये देखो। मेरे दिन ही खराब चल रहे हैं भाई, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन चलो अब इस व्यू को टाटा बाय बाय करके निकलते हैं घर की तरफ, हेलमेट वगैरह पहनते हैं और फिर करता हूँ मैं आप लोगों से बात। हाँ तो जी ये था अपना सुआ खोली, बाकी अभी यहाँ से निकलते हैं घर की ओर। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं इन खूबसूरत नजारों के साथ। बाकी अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो मेरी देख ली है तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आप लोग को वीडियो, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, जो भी है जैसा भी है। तो ठीक है फिर इन्हीं खूबसूरत नजारों के साथ इस वीडियो करते हैं एंड, आपसे मिलते हैं अगली वाली वीडियो में कोई और जगह में किसी और चैलेंज के साथ। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।